मेट्रो में जनरल। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके वन डे एग्जाम्स जैसे SSC, CGL, CPO, NTPC जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गेकोज आर करेक्ट। तो गेकोज के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि वो केवल वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि वो लिजर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। गेकोस के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गेकोस हैं ये लिजर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि दे आर नॉट फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडिया में लोग पाए जाते हैं। एक जगह है जब जहाँ जिस रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है वहाँ ही नहीं पाए जाते, जैसे जो काफ़ी ठंडा इलाका जैसे एंटार्क्टिका आप बोल सकते हो, तो वहाँ पर ही नहीं पाए जाएंगे, बाकी अधिकतर जगह पे वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा टू ओनली, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया था। तो ये गेकोस है, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको कमेंट में एक दो क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आज का कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी, जैसे ये मैं अपना इंडिया बनाता हूँ रफली, तो इसमें ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला रीजन इनफैक्ट यहाँ से राष्ट्र से शुरू होता है, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक आपको बतानी है, तो और एक पूरे साउथ इंडिया की जो है वो हाईएस्ट पीक बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सचिंद्र नाथ सान्याल इज और आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हम 8 फरवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है इसमें। ऑप्शन है कि उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया था, वो HRA जो एक एसोसिएशन थी उसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। थर्ड ऑप्शन है कि वो काकोरी कांड जो हुआ था कॉन्स्पिरेसी उसमें दोषी नहीं पाए गए थे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका आंसर ये होगा, सबसे पहली बात तो अनुशीलन समिति उन्होंने फॉर्म की थी। अनुशीलन समिति क्या थी, ये बेसिकली जो बंगाल में जो जिम खानास थे उनमें से जो है लोगों को इसका ग्रुप बनाया जाता था, इसमें पार्टिसिपेट कराया जाता था, वो बेसिकली रेवोल्यूशनरी ग्रुप था बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि अनुशीलन समिति जो थी इसका गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। सेकंड ये है कि ही वॉज नॉट अमंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ HRA, ये गलत है। HRA के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, उनके साथ और भी थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, और भी थे। तो सी ऑप्शन क्या है, ही वॉज नॉट द अक्यूज ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये सही है, ठीक है। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या था कि काकोरी नाम की जगह जो थी लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी नाम से, इसमें क्या किया गया था कि इन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा एक ट्रेन को जो है लूट लिया गया था, ठीक है, इसमें से काफ़ी सारा पैसा लूट लिया गया था। और ये जो था, या ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये लॉर्ड रीडिंग जो थे हमारे वाइसराय उनके टाइम पे ये कांड हुआ था काकोरी कांड, ठीक है। तो ये मेरी स्टेटमेंट सही है कि वो एक्यूज नहीं थे, अनुशीलन समय थे उन्होंने फाउंड की थी, बट वो HRA के फाउंडिंग मेंबर थे, तो दूसरा ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ से ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर डी, ठीक है। कमेंट में आपको ये बताना है तो अनुशीलन समय थी किस साल में फाउंड हुई थी, ये मैंने बता दिया आपको काकोरी कांड क्या था, ठीक है। HRA जो थी उसका बाद में नाम क्या पड़ा था, नाम चेंज करके क्या रखा गया था। HRA की फुल फॉर्म ऐसे मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफे कहाँ पर बनाया गया। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या कनाडा। तो इसका ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपने एक हिल स्टेशन सुना होगा गुलमर्ग नाम से, वहाँ पर बेसिकली एक बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 40 फीट के आसपास है, और इससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा जो है इग्लू कैफे था, उसकी हाइट समवेयर 32 या 33 फीट थी, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफे कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। इस कैफे का आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो इसका नाम है स्नो ब्लू, स्नो ब्लू,
चीज़ बतानी है कि ये जो इग्लूज होते हैं इनमें टेम्परेचर कैसे मतलब बाहर की एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम रहता है, तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ये इग्लू होते हैं ये हम स्नो से बनाते हैं या आइस से बनाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, एक चटरगला नाम का टनल है वो आपको याद रखना है, वो भी जम्मू कश्मीर में है, अभी बनाया गया था 2021 में फरवरी के आसपास, ठीक है। एक और याद रखना है आपको कि राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो चेनाब रिवर पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे रिलेटेड है, टीकाकरण चाइल्ड और प्रेग्नेंट मदर से, कॉल सेक्टर से, वाटर से, या पोर्ट को इम्प्रूव करने से। ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वैक्सीनेशन फॉर चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो चाइल्ड होते हैं और जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है कि एक फेस्टिवल था कंचौंत फेस्टिवल, सॉरी अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो कंचौंत फेस्टिवल जो था ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करता है, अभी न्यूज़ में था इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस होगा जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसकी मैं थोड़ी सी माइथोलॉजिकल स्टोरी आपको बता देता हूँ, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे लॉर्ड शिवा थे उनकी जो वाइफ थी गॉडेस पार्वती, उन्होंने उनसे लॉर्ड शिवा से स्नो का एक थ्रोन मांगा था, तो तब से ये मतलब जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मैरिड वुमेन होती हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए प्रे करती हैं और अलग अलग मतलब लोगों से मिलती हैं अलग अलग रिलीजन से, एक तरीके से ये कम्युनिटी गैदरिंग को प्रमोट करता है, रिलीजियस हारमोनी को भी प्रमोट करता है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आपको मेरे को दो तीन क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है और उसका नाम क्या है। दूसरा, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुए थे। तीसरा क्वेश्चन, सतर्क नागरिक करके एक ऐप लॉन्च किया गया है, ये किस सरकार ने लॉन्च किया है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो अभी आपने एक टर्म सुनी होगी WTI, काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको बताना है WTI इज़ यूज्ड एज अ टाइप ऑफ क्रूड ऑयल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो एक टाइप का क्रूड ऑयल है, तो कौन सी कंट्री यूज़ करती है, USA, कैनेडा, मैक्सिको या रशिया। WTI की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है वेस्टर्न टेक्सस इंटरमीडिएट, ठीक है। एक और टाइप का क्रूड होता है जिसको ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, ये नॉर्थ सी के आसपास से पाया जाता है, यूज़ किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा USA यूज़ करता है इसको, और ये टेक्सस एरिया जो होता है जो स्टेट है USA में, जैसे टोटल 50 स्टेट है उनमें से टेक्सस नाम का स्टेट है, वहाँ से इसको वो किया जाता है पाया जाता है। तो आप एक चीज़ ये है कि जो WTI का जो रेट होगा ना वो नॉर्मली जो आपका ब्रेंट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे आपने ब्रेंट का क्या है कि आपने इसको सी से वो करना है एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप वहीं से एक्सट्रैक्ट करके शिप में लोड करके इसको भेज देते हो, जबकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है क्योंकि इसको वहाँ से लाया जाता है पोर्ट तक, फिर पोर्ट से वहाँ पर भेजा जाता है। तो बेसिकली एक तरीके का क्रूड ऑयल इंडिकेटर है, तो इससे मतलब रेट तय किए जाते हैं USA सरकार द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये होगा। कमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बॉर्डर जो है जो कनाडा US के बीच में है, इसका आंसर हालांकि मैंने दे दिया आपको ऑलरेडी, तो उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको सर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि जो एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेटमेंट, 5G का जो लेटेंसी रेट होता है लेटेंसी रेट वो ज़्यादा है 4G के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑप्शन बताने आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट, दोनों सही या दोनों गलत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये जो पहली स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस आपकी चार्ट देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर सबसे
कि ये मेरी वेवलेंथ है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लोगे आप, ये गामा है और इधर कौन से रेडियो वेव्स है। तो जैसे मैं इधर जाऊँगा तो गामा की आप देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आपको पता हो एक चीज़ कि 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्स रिलेटेड टू वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरी वेवलेंथ कम होगी। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, तभी इनको लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कराया जाता है, ट्रैवल कर सकती हैं। क्योंकि आपने पता होगा कि हमारी एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, जिसको बोलते हैं आइनोस्फेयर, वो इनको रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को, और वो वहाँ से फिर दूसरे स्टेशन पे भेजे जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमारी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि जो एक्स रेज है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंफ्रारेड रेज़ के कंपेयर में। तो देख लो भाई, एक्स रेज कहाँ है, एक्स रेज आपकी इधर होंगी, ये रही एक्स रे, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है क्या इंफ्रारेड? बिल्कुल, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो इनकी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी सही है कि भाई एक्स रे की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंफ्रारेड कंपेयर में। तो एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी इंफ्रारेड के कंपेयर में। सेकेंड क्या है, 5G विल हैव अ हायर लेटेंसी रेट देन 4G। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि लेटेंसी रेट क्या होता है। लेटेंसी रेट बेसिकली ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई भी जब भी मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रेट पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, छोटे छोटे पैकेट्स, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए जो टाइम लगता है ना पैकेट्स में, वो लेटेंसी रेट होता है। तो 4G के किस में वो समथिंग 150 से 200 मिली सेकेंड था, वैसे मिली सेकेंड या सेकेंड नहीं है, बात याद रखिएगा। तो 5G के केस में वो जो रेट था वो डिक्रीज करके 2 से 10 मिली सेकेंड का कर दिया गया, ठीक है, मिली सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे लेटेंसी रेट कम हुआ है। अगर लेटेंसी रेट कम होगा तभी तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा और जल्दी जल्दी ये पैकेट से ट्रांसफर होंगे और इससे हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है लेटेंसी रेट 5G का कम होगा। तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ऑप्शन हमारा चल हो जाए, ठीक है। कमेंट में आपको फिर मुझे कुछ सवाल आंसर देंगे। एक संस्था है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको ये बताने की बॉडी स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर्स ब्लैक सी, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो ब्लैक सी को के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि अभी यूक्रेन का इशू जो आप सुन रहे होंगे कि फ्रेंच जो है कंट्री अभी वो उसकी मीडिएशन करा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। तो इसका आंसर होगा यूक्रेन ऑब्वियसली, ठीक है। पोलैंड तो ऑब्वियसली उसके ऊपर है, बेलारूस उसके जस्ट ऊपर है यूक्रेन से, ठीक है। अज़रबैजान थोड़ा सा उसके साउथ ईस्ट में आप बोल सकते हैं, पड़ता है यूक्रेन के। आपको दिखा देता हूँ मैं ब्लैक सी एरिया, ये ब्लैक सी है, नीचे इसके टर्की, इसके वेस्ट में बल्गेरिया, ठीक है, और इसके जो है ये जो आप पार्ट बता रहे होंगे बेसिकली बोस्फोरस स्ट्रेट वाला पार्ट है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो टर्की का यूरोपियन पार्ट, क्योंकि टर्की दोनों उसमें आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में भी और यूरोप में भी। तो यूरोप में जो उसका पार्ट होता है वो इस्तांबुल बोलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा बट कॉन्स्टेंटिनोपल यही एरिया था बेसिकली, ठीक है। तो इससे नॉर्थ में जाऊँगे बुल्गारिया, फिर रोमानिया, यूक्रेन। आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि मोल्डोवा जो है, ये याद रखना आपको, मोल्डोवा जो है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, मोल्डोवा इज़ अ लैंड ऑफ कंट्री, ठीक है। यूक्रेन ये पार्ट क्राइमिया जो कि रशिया ने एनेक्स कर लिया 2016 में, फिर रशिया, फिर इधर जॉर्जिया, ठीक है, इधर फिर टर्की आ गई। आर्मेनिया अजरबैजान कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है इसके साथ, ठीक है, अजरबैजान कैप्शन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यूक्रेन हो जाएगा। आपको कमेंट में आंसर देना कि जैसे एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे ये सी ऑफ अज़ोर और ये ब्लैक सी है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, ये आपको बताने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैसे आपको अगर हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन मनरेगा के लिए सही है, ठीक है, करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट पहली है कि ये डिमांड ड्रिवन वर्क प्रोवाइड करती है ये स्कीम, दूसरा दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड टाइप के वर्क इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेटमेंट था 150 दिन का काम इस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एम जी नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो भाई हम अपनी स्टेटमेंट पहले को देखते हैं तो ये डिमांड ड्रिवन वर्क प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही, डिमांड एंड इनफैक्ट राइट बेस्ड वर्क बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस स्टैट्यूट में मेंशन है, ठीक है, कानूनी तौर पर कि आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा।
दोनों टाइप कवर प्रोवाइड करते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि वो केवल अनस्किल्ड टाइप कवर प्रोवाइड करते हैं, स्किल टाइप नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो मेरे ये दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या थर्ड होगा। 150 दिन का काम प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें एक कैच है, कैच ये है कि केवल 100 दिन का काम प्रोवाइड किया जाता है, बट 50 डेज का एडिशनल वर्क प्रोवाइड किया जा सकता है अगर कंडीशन ड्रॉट या कोई नेचुरल कैलामिटी ही है या कोई अदर काम। ठीक है, एडिशनल 50 दिन का काम प्रोवाइड किया जा सकता है अगर ड्रॉट या कोई नेचुरल कैलामिटी वाली कंडीशन हो जाती है तो। ठीक है, तो आंसर मेरा होगा, ये भी मेरी सेकंड गलत होगी, वन ओनली बी ऑप्शन। कमेंट में आपको ये बताना है कि स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 डज नॉट प्रोवाइड फॉर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, आपको रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए आपका रिलीजन, प्रोफेस करने के लिए आपका रिलीजन, या फिर डी ऑप्शन है कि इस आर्टिकल को रोका जा सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, किन ग्राउंड्स पे, या तो पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ। केवल ओनली इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखें, ओनली लिखा गया है केवल पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के ग्राउंड पे इस आर्टिकल पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 25 जो होता है वो हमारे राइट टू रिलीजन का पार्ट है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू रिलीजन के अंदर ही हमारे आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बिल्कुल प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं रिलीजन को। ठीक है, एक चीज़, ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हमने सुना होगा वो कर्नाटका में इशू चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसमें एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, वो ये है कि आप इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो पब्लिक ऑर्डर तो है ही है, हेल्थ भी है, और एक इसके साथ और एक जोड़ लीजिए मोरालिटी, इन तीनों के ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्शन का भी जैसा डी ऑप्शन हमारा जो होगा। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड पूछा गया। ठीक है, ये नोट है करने, डी ऑप्शन हमारा अच्छा जाएगा। कमेंट में आपको मेरे को ये बताना है कि राइट टू कन्वर्ट विदाउट फोर्स, याद रखना मैंने पूछा विदाउट फोर्स, फोर्सफुल कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, विदाउट फोर्स जो है वो एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट यहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। ठीक है, वो डायरेक्ट मेंशन नहीं होगा बट इम्प्लाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी कमेटी ने पेगासस जो अभी स्पाईवेयर था उसके ऊपर उसकी एक्सेस को चेक करने के लिए जो यूज़ किया गया था अभी काफ़ी पॉलिटिशियन से और जर्नलिस्ट के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था अभी, तो वो कौन सी कमेटी थी वो आपको बताना है, ये न्यूज़ में था क्वेश्चन इसका मिल गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सचिन सान्याल कमेटी, रविंद्रन कमेटी, वर्मा कमेटी, या के केलकर कमेटी। ठीक है, आपको बताना है, इसका ऑप्शन होगा रविंद्रन कमेटी। ठीक है, तो बेसिकली जो यवेंद्र जी हैं ये हमारे फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अध्यक्ष में इस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि जो पैकेज सॉफ्टवेयर है ये किस कंट्री के घर में लिखती है, इसराइल ने ये बनाया है, तो इसराइल का कौन सा ग्रुप है जिसने पैकेज सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, मतलब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है, राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पार्टनर ऑफ योर चॉइस इज इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। तो अपने पार्टनर के साथ रहना या अपने चॉइस ऑफ पार्टनर के साथ शादी करना आपके किस फंडामेंटल राइट के तहत कवर होता है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर होगा आपके आर्टिकल 21 के। आर्टिकल 21 क्या गारंटी करता है आपको, राइट टू लाइफ, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट लिबरल आर्टिकल आप बोल सकते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 90। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो आज के इतने क्वेश्चन थे।